हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये बटन का टीवी रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सप्लाई दे दिया है, लेकिन ये देखिए ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। और ये देखिए, इसे मैं एक बार रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज़ हो रहा है, और ये देखिए अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। वैसे तो दोस्तों इन चाइना टीवी को रिमोट से ऑन नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है। अब चलिए इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो मीटर का जो काला प्रोब है वो हम पिक्चर ट्यूब के अर्थिंग पर लगाएंगे कुछ इस तरह से, और मीटर की रेंज 600 पर लगाएंगे दोस्तों। और चलिए अब हम इसके बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए दोस्तों, इधर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर 110 वोल्टेज आनी चाहिए। तो चलिए मैं इसे सप्लाई देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पर 118 के आसपास वोल्टेज आ रही है, और यहाँ पर देखिए 25 वोल्ट, और यहाँ पर 10 वोल्ट, और यहाँ पर ये देखिए 15-16 वोल्टेज आ रही है। तो हमारे वोल्टेज तो सभी आ रही है दोस्तों यहाँ तक। तो चलिए एक बार हम इसे स्टैंड बाय रिलीज कर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाय रिलीज कर दिया है, और ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है दोस्तों, 400 के आसपास वोल्टेज आ रही है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 32 के आसपास, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 22 दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये देखिए यहीं पर है, यहाँ पर 110 रिलीज के बाद ही आनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए एक बार इसे पीसीबी को ऊपर से देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पीसीबी को ऊपर से देखने पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर का जो ये देखिए एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर ये देखिए थोड़ा सा फूला हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले वो कैपेसिटर ही चेंज करेंगे, और उसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों कैपेसिटर मैंने निकाल लिए हैं, और ये देखिए इसकी वैल्यू है 100 UF 160 वोल्ट, ये देखिए। और ये दूसरे कैपेसिटर की ये देखिए 47 माइक्रोफेरेट 160 वोल्ट। तो अब हम ये देखिए उसकी जगह ये दो वाले कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू भी वही है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों कैपेसिटर को मैंने लगा दिया है। तो चलिए एक बार हम इसे वोल्टेज देकर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे वोल्टेज देकर देखते हैं हमारे वोल्टेज अब 160 के आसपास आ रही है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाय पर तो ये आ रहे हैं, लेकिन देखिए रिलीज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है, और ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज होने पर भी अभी 117 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा इस कैपेसिटर में ही प्रॉब्लम था। तो चलिए एक बार हम डिस्प्ले पर देखते हैं क्या शो होता है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने अच्छे से फिट कर दिया है,
तो चलिए इसे सप्लाई देते हैं। और ये देखिए इसे सप्लाई कर दिया है, तो एक बार हम इसे सप्लाई रिलीज करेंगे। ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है। और ये देखिए हमारा जो टीवी ऑन नहीं हो रहा था वो अब बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।